कितने सस्ता और फौरी इंसाफ, ये पॉसिबल नहीं है। सस्ता हो सकता, फौरी नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें एविडेंसेस चाहिए होते हैं, उसमें पुलिस काम करती है, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं जो एविडेंस इकट्ठे कर रहे होते हैं सबूत, क्योंकि उसकी बेस पर फैसला होना होता है। ठीक है, अब मेरे बारे में सबूत इकट्ठे किए गए और मेरा केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला गया हुआ, तो वहां पे जो जज बैठा हुआ ऐसे यार आप तो ऐसा थे ऐसे ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, ना कोई कोई डिफेंसिव रवैया, ना ना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ज्यादा कुछ ज्यादा सख्त हो जाते हैं वो, देखते हैं ना सख्त किया। जज साहब जो थे हमारे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी और सेहत अता फरमाए, वो एक इतने शरीफ आदमी थे। अब आई थिंक उनकी तब्दीली कहीं और हो गई है, मैं उनके बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा, वो अहले तशी से उनका ताल्लुक है, कम्युनिटी से, लेकिन सिपाह सहाबा जिनका इसमें बड़ा वो है, ऐसे उनकी ख्वाहिश होती थी कि मलिक सफदर साहब की कोर्ट में हमारा जाए केस, क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो रिश्वत तो दूर की बात है, मतलब वो बात भी नहीं सुनता।